जादुई बालों का पेड़। रमेश नगर गांव में त्रिशा नाम की एक लड़की रहा करती थी। त्रिशा ने अपने कक्षा में होने वाले सभी फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था। वो बहुत ही सुंदर और लंबे बालों वाली लड़की थी। सभी फंक्शन में उसे अव्वल अवार्ड मिला। वो नृत्य में सभी से एक नंबर आगे रहती थी। पूरे गांव में, पूरे स्कूल में केवल उसी के बालों की चर्चा हुआ करती थी। त्रिशा के बाल बहुत लंबे, घने और मुलायम थे। त्रिशा को अपने बालों से बहुत प्यार था। एक दिन गांव में एक एडवर्टाइजमेंट आई कि शहर में एक इवेंट है मॉडलिंग का। त्रिशा ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। त्रिशा के माता पिता त्रिशा को फुल सपोर्ट करते थे और उन्होंने मॉडलिंग के लिए भी जाने के लिए अनुमति दे दी। मॉडलिंग के इवेंट में जाने के बाद त्रिशा को पता चला कि उसे भी बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां वहां पर मॉडलिंग के लिए आई है। मॉडलिंग में बारी बारी सभी लड़कियों को स्टेज पर आकर अपना प्रदर्शन करना था और जो लड़की सारे राउंड में पास हो जाती है वो ही आगे मॉडलिंग के लिए सिलेक्ट होती है। त्रिशा भी अपना 100% देती है और उसकी मेहनत और लगन देखकर उसे हर कोई पसंद करता है और वो सारे राउंड में पास हो जाती है। अब आखिरी राउंड बाकी था। बाहर से आई सभी लड़कियां त्रिशा से जलने लगी। मॉडलिंग इवेंट में कविता नाम की एक मॉडल भी थी जो सभी राउंड में दूसरे नंबर पर जीत रही थी। वो जलन में मन ही मन सोचती है, मैं हमेशा से जीत रही हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता और ये किस खेत की मूली है। मैं अपना ये रिकॉर्ड इस बेकार लड़की की वजह से नहीं टूटने दे सकती। मैं इसके बाल रात को सोते वक्त काट दूंगी ताकि ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। चल देखती हूँ त्रिशा कल तू कैसे स्टेज पर आती है। अगली सुबह आखिरी राउंड होना होता है कि कविता का पूरा फोकस त्रिशा के बाल काटने पर होता है। ये सोचते सोचते कविता त्रिशा के रूम में पहुँचती है और देखती है कि त्रिशा नेक्स्ट राउंड की तैयारी कर रही होती है और कुर्सी पर बैठे अपने आप को तैयार कर रही होती है। अरे वाह त्रिशा, तुम नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार हो रही हो। हाँ कविता, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आओ यहाँ बैठो, बैठकर कुछ गपशप कर लेते हैं ताकि नर्वसनेस खत्म हो जाए। तब तक मेरी हेयर स्टाइलिश भी आती ही होगी। चलो ठीक है, तुम तैयारी करो, मैं भी तैयार होकर आती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में। रात की कड़क सिक्योरिटी के कारण कविता त्रिशा के बालों को हाथ ना लगा सकी, इसलिए वो उसके रूम में जाती है। लेकिन तब भी वो तैयारी कर रही होती है तो वो अपने काम में नाकामयाब रहती है और वापस आ जाती है। लेकिन वापस आकर भी कविता मन में अभी भी उसको आखिरी राउंड से निकालने की सारी कोशिश, सारे सुझाव खोजती है। अभी तक त्रिशा की हेयर स्टाइलिस्ट नहीं आई है, क्यों ना मैं नकली हेयर स्टाइलिस्ट बनकर उसके रूम में चली जाऊं। कविता दूसरी आवाज में त्रिशा को आवाज देती है। त्रिशा के रूम में एक नकली हेयर स्टाइलिस्ट बनकर घुस जाती है और उसके बाल काटने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हेलो मैम, माफी चाहती हूँ, थोड़ी लेट हो गई, मैं आपकी हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। अरे कोई बात नहीं, आ जाओ तुम अंदर आ जाओ। अरे अब तुम जल्दी से मेरा हेयर स्टाइल बनाओ, आज तुम इतनी लेट आई हो जबकि आज मेरा सबसे खास दिन है। हाँ मैम, रास्ते में थोड़ा जाम था जिस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई, माफी चाहती हूँ। कविता जल्दी से त्रिशा को सीट पर बैठा देती है। जल्दी से आ जाइए आप अपनी चेयर पर ताकि मैं आपको एक डिफरेंट लुक दे सकूं और आज आप अपना आखिरी राउंड भी जीत जाए और हमारे परमानेंट मॉडल बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी बात जरूर सच हो। चलिए मैडम, जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक एयरफोन लगा लीजिए ताकि आप बिना चिंता के बैठ जाए। आज से पहले तुमने मुझे कभी इतना सुकून नहीं दिया, हमेशा से तेज तेज हेयर स्टाइल बनाया है, फिर आज कौन सी दिशा से सूरज निकला है। कविता बहुत तेजी से त्रिशा को धोखे में डाल देती है और उसकी आंखें बंद करवा देती है ताकि उसे कोई शक ना हो, और फिर बहुत देर तक उसके बाल पर हाथ फेरती रहती है और फिर बहुत जल्दी जल्दी कैंची से बाल टेढ़े मेढ़े काट देती है और फौरन भाग जाती है। तुम आज इतना समय क्यों लगा रही हो, जल्दी करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। त्रिशा इतना कहती है और सर पर हाथ रख कर देखती है। उसको अपने बाल ना होने का एहसास होता है और वो एकदम से आंखें खोलती है और खुद को आईने में देख वो चौंक जाती है और एकदम से जमीन पर बैठ जाती है और कहती है, ये क्या किया तुमने, कौन थी यहाँ, अरे मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने मुझसे इतना अच्छा मौका छीन लिया। यहाँ कविता भागी भागी अपने रूम में आ जाती है
और जल्दी से अपने हाथ में पकड़े हुए बालों को फेंक देती है और हाथ मुंह धोकर तैयार होने लगती है। चलो अब मेरा काम तो हो गया, अब मैं जीतने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हूँ। तभी वहाँ एक तूफान आता है जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाता है और फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। त्रिशा अपना मुंह ढककर वहाँ से जल्दी से निकल जाती है और कंपटीशन की डेट आगे बढ़ जाती है। कोई बात नहीं, कंपटीशन की डेट जब तक आएगी तब तक कौन सा उसकी खोपड़ी पर बाल आ जाएंगे। अच्छा हुआ कि उसके सारे बाल काट दिए मैंने। इधर त्रिशा रोते हुए अपने घर पहुँचती है और अपने कमरे में जाकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। उसके माता पिता दोनों अचंभित होते हैं कि अचानक इसे क्या हुआ। इधर त्रिशा अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लेती है। उसके माता पिता बाहर से दरवाजा बहुत खटखटाते हैं लेकिन त्रिशा अपना दरवाजा नहीं खोलती। क्या हुआ बेटी, दरवाजा खोल, आखिर बात तो बता कि हुआ क्या। अगर तुम कॉम्पिटिशन में हार भी गयी तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है। त्रिशा थोड़ी देर बाद दरवाजा खोल देती है और अपने माता पिता को सब कुछ बताती है। त्रिशा परेशान ना हो इसके लिए उसके माँ बाप उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं ताकि वो गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। त्रिशा अपने माता पिता की बात मान लेती है और उनके साथ बाहर घूमने चली जाती है। माँ, हम घूमने के नाम पर इस जंगल में क्या करने आए हैं, यहाँ पर तो सिर्फ पेड़ पक्षी और नदी है। बेटा, यहाँ पर मन को सुकून मिलता है और अंदर का मन भी तरोताजा हो जाता है। माँ बेटी इतनी बात कर ही रही होती है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आते हुए मिलती है और कहती है, तुम परेशान सी दिख रही हो, क्या हुआ है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का सलूशन दे सकती हूँ। मेरे बाल बहुत लंबे और सुंदर दिखते थे लेकिन एक मॉडलिंग इवेंट में जाने के बाद किसी ने मेरे बाल कैंची से काट दिए और मुझे उस इवेंट में कुछ दिनों बाद जाना है, लेकिन मेरे बाल तब तक पता नहीं कैसे सही होंगे जो मैं उस इवेंट का आखिरी राउंड भी जीत सकूं। मैं सालों से इसी जंगल में रहती आई हूं और मुझे एक जलपरी ने आशीर्वाद दिया है कि मैं जो भी चाहूंगी वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा पेड़ की जरूरत होती है, इसलिए मैं जंगल में ही रुक गई। ठीक है दादी माँ, अगर आप मेरी मदद कर सकती हो तो जरूर करो, मैं आपको अपने इवेंट से जीते हुए पैसे में से कुछ पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बूढ़ी औरत और त्रिशा के बीच में बातें होती है और फिर बूढ़ी औरत अपना जादुई मंत्र बोलती है, पेड़ देवता मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, इस लड़की के सर पर बाल की आवश्यकता है तो आप मुझे एक जादुई बालों का पेड़ दे दो ताकि मैं इसको उसमें से एक जरूरतमंद लड़की को एक दो हेयर स्टाइल दे सकूं। बूढ़ी औरत पेड़ देवता से मन ही मन में मंत्र बोलकर कुछ हेयर स्टाइल मांग लेती है और कुछ ही देर में उस पेड़ पर जादुई हेयर स्टाइल और कुछ बालों का गुच्छा लटकने लगता है। ये सब देख त्रिशा हैरान हो जाती है। मुझे बस एक ही बालों का गुच्छा चाहिए ताकि मैं अपने पहले जैसे बालों की तरह अपना हेयर ड्रेस करवा सकूं। तुम्हें जो इससे पसंद है वो तुम ले लो और इसको मैं सेट कर दूंगी। बूढ़ी औरत उसके हेयर सही कर देती है और उसे एक अच्छा लुक दे देती है और ये देखकर त्रिशा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो बूढ़ी औरत उस पेड़ देवता का शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद त्रिशा खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और अपने घर में नाचने लगती है। अगली सुबह त्रिशा का मॉडलिंग इवेंट होता है जिसमें उसका लास्ट राउंड होता है। हेलो कविता, तुम कैसी हो, इतने दिनों बाद तुमसे मिल रही हूँ। त्रिशा को देखकर कविता अचंभित हो जाती है और पास में आकर कहती है, तेरे बाल मैंने अपने हाथों से काटे थे तो यहाँ तो वापस कैसे आ गई, और तेरे बाल फिर से पहले जैसे कैसे हो गए, वो भी इतनी जल्दी। अच्छा तो वो तुम थी जिसने मेरे बाल काटे थे, और मेरे बाल पहले जैसे कैसे हुए मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, मेरी नजरों के सामने से दूर चली जाओ। ये सारे बात त्रिशा के दोस्त सुन लेते हैं और कहते हैं, हमें यकीन नहीं आ रहा त्रिशा, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने किसी को बताया तक नहीं, और कविता हमें कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी नीचे गिर सकती हो। थोड़ी देर बाद स्टेज पर सभी को एक एक करके अपना प्रदर्शन करना होता है और कुछ घंटों बाद रिजल्ट बताया जाता है जिसमें विजेता का नाम लिया जाता है। इस मॉडलिंग इवेंट की विजेता है त्रिशा। ट्रॉफी जीतने के बाद त्रिशा बहुत खुश होती है और कविता उसके पास आकर उससे माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो त्रिशा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया,
मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या होगी? और अब आगे से किसी और के साथ ऐसा मत करना। उसके बाद ऋषा अपने जीत की खुशी मनाती है और खुशी खुशी अपने माता पिता के गले लग जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। एक गांव में काजल अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। काजल अपने ही गांव में एक सेठ के घर में काम किया करती थी। सेठ बहुत ही लालची और बेईमान आदमी था। सेठ हमेशा काजल से ज्यादा काम करवाया करता था और उसके बाद ही पैसे दिया करता था। काजल अभी छोटी थी, वो काम करते करते थक जाती थी और वो थोड़ी देर के लिए एक जगह पर बैठकर आराम करने लगती है। काजल को आराम करता देख सेठ का खून खोल उठता है और वो काजल के पास जाता है। वहाँ पहुँचकर सेठ काजल से कहता है, क्यों रे काजल, तेरी इतनी हिम्मत जो तू यहाँ बैठकर आराम कर रही है? मैं तुझे यहाँ काम करने के पैसे देता हूँ, ना कि आराम करने के। तू तो एक नंबर की कामचोर लड़की है। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मैं सुबह से काम करके थक गई हूँ, इसलिए थोड़ी देर आराम कर रही थी। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो पूरे दिन बिना आराम किए काम करती रहूं। देख, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता हूं। मैं अभी कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूं। मैं लौटने तक घर के सारे काम खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई, चल जाकर अपना काम कर। इस तरह सेठ काजल की मजबूरी का फायदा उठाता था और उस पर बहुत अत्याचार करता था। बेचारी काजल मजबूरी में सेठ की सभी बातें मानती थी। एक दिन अचानक काजल की माँ बीमार पड़ जाती है। काजल के पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो सेठ के घर जाती है और पैसे उधार मांगती है। लेकिन सेठ काजल को पैसे देने के लिए साफ मना कर देता है। बेचारी काजल मुंह लटकाए वहाँ से वापस आ जाती है। काजल को बहुत बुरा लगता है। पड़ोस में ही राधा के चाचा चाची रहते थे। काजल उनसे मदद की गुहार लगाती है, लेकिन वो काजल की मदद नहीं करते हैं। काजल अपने गांव में सभी लोगों से मदद मांगती है, परंतु कोई भी व्यक्ति काजल की मदद नहीं करता। यहाँ देखते ही देखते काजल की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उनकी आखिरी सांसें चल रही होती है। अपनी माँ की ये हालत देखकर काजल को बहुत बुरा लगता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। काजल को यूं रोता देख काजल के घर के बाहर लगा हुआ एक पेड़ देख लेता है। वो काजल की सहायता करना चाहता था। पेड़ काजल को आवाज लगाता है और उससे उसके रोने की वजह पूछने लगता है। काजल पेड़ को अपने घर की सभी हालात बताती है। मेरी माँ बहुत बीमार है, उनकी इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और यहाँ कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। अगर वक्त पर मेरी माँ का इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है और इनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम चिंता मत करो काजल बेटी, यहाँ पास में ही एक पहाड़ी पर परियां रहती है, तुम एक बार वहाँ पर जाओ, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। मैं तुम्हें वहाँ जाने का रास्ता बता देता हूँ। इसके बाद पेड़ काजल को परियों के पास जाने का रास्ता बता देता है। काजल पेड़ के कहे मुताबिक पहाड़ी पर चली जाती है। वहाँ पहुँचकर काजल परियों को आवाज देती है। परी, आप कहाँ हैं? परी, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, कृपया मेरी मदद कीजिए, बाहर आइए परी। ये आवाज सुनकर सोनम परी अपनी सभी सहेलियों के साथ बाहर आ जाती है। काजल अपनी सभी परेशानियाँ परियों को बताती है। काजल, तुमने बहुत अच्छा किया जो मदद के लिए तुम हमारे पास आ गई। अब हम सभी परियां मिलकर तुम्हारे सभी दुख दूर कर देंगे, ठीक है? इसके बाद एक परी गुफा में से जाकर एक बड़ा सा अनार बम लेकर आती है। सुनो काजल, ये एक जादुई अनार बम है, तुम इसे ले जाकर अपने घर चली जाओ, ये अनार बम तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। परी की बात सुनकर काजल बहुत खुश होती है। आप सभी परियां बहुत अच्छी हैं। मेरी माँ ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बताया था और आज मैंने देख भी लिया। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काजल, ये तो हमारा फर्ज है
और हमें अच्छा लगता है जरूरतमंद लोगों की मदद करना। चलो अब तुम इस अनार बम के ऊपर बैठ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे घर ले जाएगा। परी की बात मानकर काजल उस अनार बम के ऊपर बैठ जाती है और थोड़ी देर में अनार बम हवा में उड़कर काजल को उसके घर पर ले जाता है। थोड़ी ही देर में काजल अपने घर पहुंच जाती है। अनार बम से नीचे उतरते ही वो अनार बम एक घर में बदल जाता है। अनार बम घर को देखकर काजल बहुत खुश होती है। उसके बाद काजल अपनी माँ को लेकर उस जादुई अनार बम घर के अंदर जाती है। अनार के घर के अंदर जाते ही काजल की माँ की सभी तकलीफ दूर हो जाती है और वो एकदम स्वस्थ हो जाती है। बेटी, ये अनार बम तो बहुत ही कमाल का है। इसके पलक झपकते ही हमारे सभी दुख तकलीफ दूर हो गई है। अब मैं देखो पूरी तरह स्वस्थ हूँ। ये देखकर काजल बहुत खुश होती है। काजल अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगती है। काजल बहुत अमीर हो जाती है और अब वो गरीब लोगों की मदद करने लगती है। ये देख पड़ोस में काजल की चाची ये देखकर उससे बहुत जलने लगती है। क्या बात है, ये काजल की बच्ची तो बहुत अमीर हो गई है। ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई है इसको, मुझे उसकी खुशियाँ देखी नहीं जा रही। मैं इसकी खुशियाँ अब एक और पल नहीं देख सकती। तुरंत मैं इसके अनार बम को जलाकर राख कर दूंगी। काजल अनार बम के घर के अंदर सो रही होती है, तभी उसकी चाची मौका देखकर उस अनार बम को जलाने का प्रयास करती है। जैसे ही अनार बम को आग लगाने जाती है, अनार बम अपने आप ही जलने लगता है और उसकी आग काजल की चाची के ऊपर गिरने लगती है। अरे कोई तो मुझे बचा लो, अनार बम तो मेरी जान ही ले लेगा, कोई तो मेरी मदद करो। इस तरह अपनी मदद की गुहार लगाती है, परंतु रात के समय कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता और उसकी चाची भागे भागे घर जाने लगती है। घर जाते ही उसके पूरे घर में भी आग फैल जाती है और देखते ही देखते पूरा घर जलकर राख हो जाता है। इस तरह काजल की चाची को उसके कर्मों का फल मिल जाता है और इधर काजल अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय। आयशा और उसकी छोटी बहन दोनों ही अभी गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ रहे थे और वो दोनों बहुत ही अलग अलग स्वभाव के थे। आयशा अपने माँ बाप का पूरा ध्यान रखती थी और वहीं दूसरी तरफ उसके छोटी बहन श्वेता उससे बिल्कुल अलग थी, जो कभी भी अपने माँ बाप को एक चाय के लिए भी नहीं पूछा करती थी। दोनों ही अभी बहुत छोटी थी, लेकिन आयशा बड़ी बहन होने के नाते अपनी छोटी बहन को बहुत कुछ सिखाती और बहुत कुछ समझाती थी, पर श्वेता बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी, जिस पर जों तक नहीं रेंगती थी। आयशा के पिता राम बाबू शहर में काम किया करते थे और अभी तक इतना अच्छा नहीं कमा पाते थे कि वो अपनी दोनों बेटियां और अपनी पत्नी महिमा को शहर की ओर ले जाकर रख सके। लेकिन राम बाबू और उनका परिवार गांव में खुशी खुशी अच्छे से साथ में रह रहे थे और उनका काम धीरे धीरे बढ़ने लगा और उन्हें मुनाफा होने लगा, जिससे राम बाबू अपने मुनाफे में से कुछ कमाई बचा लेते थे। ऐसे ही कुछ सालों बाद उन्होंने एक विचार किया कि वो शहर जाकर काम करेगा, जिससे उसकी दोनों बेटियां अच्छे से पढ़ लिख सकेगी और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकेगा। राम बाबू और उसकी पत्नी महिमा दोनों ही बहुत ज्यादा मेहनती थे और दोनों ही चाहते थे कि जो खराब वक्त उन्होंने देखा वो खराब वक्त उनके बच्चे ना देखे, जिसकी वजह से वो रात दिन मेहनत करते और अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करते। कुछ साल काम करने के बाद राम बाबू ने कुछ कमाई बचा ली और बचाते बचाते जब एक समय आया उन्होंने धन इकट्ठा कर लिया, तब उन्होंने अपने परिवार में और खुशियां लाने के लिए सोचा। राम बाबू अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो ऐसा कि माँ, मैंने एक अच्छा निर्णय लिया है कि अब हम शहर की तरफ चलते हैं, वहाँ कोई घर देखते हैं और वहीं पर रहेंगे, जिससे हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सके। इस बार मैं जाऊंगा शहर काम के लिए, तब मैं वहाँ मकान की बात करके आऊंगा। इतना धन मैंने इकट्ठा किया है तो शायद हमें इससे एक अच्छा घर मिल जाए।
आप सही कह रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि धीरे धीरे अब शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी पढ़े लिखे लोगों की मांग कर रही है। हमारी बेटियां भी पढ़ लिख जाएंगी तो ये बड़े होकर आराम से कमा खा सकेंगी। जो वक्त हम लोगों ने देखा वो वक्त हमारी बच्चियां ना ही देखे तो अच्छा है। ठीक है, आप शहर की तरफ जब भी जाओगे तब एक अच्छा घर देख लीजिएगा जो आपके इकट्ठे धन में आ सके। हम लोग वहाँ पर इकट्ठे रहेंगे और खूब कमाएंगे, और मैं भी घर में झाड़ू पोछा का काम कर लिया करूँगी, इससे कुछ कमाई में आपकी सहायता कर दिया करूँगी। इतना सुन राम बाबू सुकून की सांस लेता है और शहर में एक छोटा घर लेने की खोज में निकलता है। आयशा बेटा, श्वेता बेटा, तुम दोनों इधर आओ और अपनी माँ को भी बुलाओ। आयशा और श्वेता दोनों अपनी माँ के साथ बाहर आती है और अपने पिता के सामने आकर बैठ जाती है। महिमा कहती है, अब तैयार है शहर जाने के लिए? हाँ, अब मैं शहर के लिए निकल रहा हूँ और कुछ दिनों में लौटूंगा। काम करके और घर देखकर ही आऊँगा तो मुझे कम से कम एक महीना लग जाएगा। पिताजी, आप शहर जा रहे हैं तो हमारे लिए कुछ खिलौने भी ले आना, और श्वेता अभी छोटी है तो उसको खिलौने का भी शौक रहता है, और मेरे लिए एक किताब ले आना कहानियों की। इतना कहकर आयशा भावुक हो जाती है, क्योंकि अब उसके पिता एक महीने बाद आएंगे और उसको अपने माता पिता और सबके साथ मिलजुल कर रहना ही अच्छा लगता है। परंतु अभी उसके पिता का एक जरूरी काम है, इसलिए वो रोती नहीं है और अपना दिल मजबूत रखकर अपने पिता को अच्छे से खुशी खुशी शहर जाने के लिए हाँ कर देती है। आयशा के पिता सबको भावुक देख खुद भी भावुक हो जाते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं, इससे उनके बच्चे कमजोर बनेंगे, इसलिए वो खुशी खुशी सभी से बात करके शहर की ओर चल पड़ते हैं। आयशा और श्वेता दोनों गेट पर खड़ी होती है और आपस में बातें करती है, और उनकी माँ उन्हें समझाती है कि उनके पिता जल्द ही आएंगे खुशखबरी के साथ। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। एक महीने बाद आयशा के पिता शहर से वापस गांव आते हैं, और गांव में आते वक्त एक मिठाई का डब्बा साथ में लाते हैं और खूब जोरों से अपने बच्चों को आवाज लगाते हैं। दोनों बच्चे लगन से पढ़ रहे होते हैं, इतने में उनके पिता की आवाज़ सुन दोनों दौड़कर भागकर बाहर आती है। पापा, आप मेरे खिलौने लाए हैं ना, और आप इतनी सारी मिठाई लाए हैं, ये सब कहाँ से लाए हैं और आप क्यों लाए हैं पिताजी? श्वेता, पापा बाहर हमारे लिए एक घर ढूंढने के लिए गए थे और मुझे आशा है कि वो घर मिल गया, इसलिए ये मिठाई का डब्बा लेकर आए हैं हमारे लिए, और साथ में खिलौने भी लाए हैं और मेरी कहानी की बुक भी लाई होंगे ना पापा? अपने बच्चों को इतना खुश देख राम बाबू खुश हो जाता है और उसको अच्छा लगता है कि उसके दोनों बच्चे बहुत खुश हैं, और अब वो दोनों घर देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। और उसकी मेहनत रंग लाई, उसके रात दिन की मेहनत उसको हासिल हो गई बच्चों की खुशी देखकर। राम बाबू कहता है, हाँ बेटा, मैंने वहाँ एक महीना खूब लगन से काम किया, मैं कुछ पैसे भी लाया हूँ, और जो घर लेना था उसमें भी कुछ पैसे मैं देकर आया हूँ ताकि वह घर हमें मिल सके। और यह रही ऐसा तुम्हारी किताब, और यह रही श्वेता तुम्हारे खिलौने, मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों बहुत ही खुश हो, और अपनी माँ को लेकर आओ। तुम्हारी माँ कहाँ पर है? माँ काम कर रही है, मैं बुलाकर लेकर आती हूँ, आप बैठिए पिताजी। आयशा पानी लेकर आती है और अपनी माँ को बुलाकर लेकर आती है। पिताजी, आप पानी पीजिए, माँ जी आ रही है। अरे वाह, आयशा के पापा आप मिठाई का डब्बा लाए हैं, तो इससे मुझे समझ आ रहा है कि हमें एक घर मिल गया है और अब हम शहर जल्द ही जाएंगे, है ना? हाँ सौभाग्यवती, सब कुछ तुम्हारी ही कृपा से हुआ है। तुमने मेरा आज तक बहुत साथ दिया, तुमने मेरे साथ गरीबी का भी पड़ाव देखा, और अब हम संभलते जा रहे हैं सिर्फ तुम्हारे साथ की वजह से। नहीं तो तुम बाकी औरतों की तरह तुम भी मुझे ताने मार मार कर सुना सुना कर परेशान कर सकती थी, परंतु तुमने मुझे समझा, इसके लिए मैं तुम्हारा जिंदगी भर धन्यवाद करूंगा। तुम बहुत ही अच्छी हो, तुमने ही इस घर को स्वर्ग बनाया है सौभाग्यवती। ये हम सबके धैर्य रखने से हुआ है, और आपकी मेहनत रंग लाई, आपने हमारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने की ठान रखी थी, वो आपने पूरी कर दी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ लिख सकेंगे। अब राम बाबू और उसका परिवार सब बहुत खुश थे, घर मिल जाने की खुशी थी, और अब राम बाबू शहर जाने की व्यवस्था करता है।
और एक हफ्ते में राम बाबू और उसका परिवार सारा सामान बांध लेता है। देखो ऐसा और ऐसा की माँ, मैंने शहर में घर ले लिया है। इस बात से हम सब खुश है, तो हमें अब यहाँ से अपना घर खाली करना होगा और अब हमें शहर की ओर जाना होगा। तो तुम दोनों इस हफ्ते में ही सारा सामान जैसे तैसे करके वहाँ से ले आओ, और जो चीज़ तुम्हारे जोत की नहीं हो वह उस गांव में किसी पड़ोस को दे देना, ताकि किसी और को काम में आ जाए। और अब तुम जल्दी से तैयारी कर लो, ताकि हम शहर में जाकर रहने लगे। हमारे बच्चे का दाखिला भी तो करवाना है स्कूल में। जी मैं सब संभाल लूंगी, और इस हफ्ते में सब कुछ हम बांध लेंगे, फिर हम इस हफ्ते के बाद निकल जाएंगे। तब तक मैं गांव वालों से भी बातचीत करके उन्हें भी बता देती हूँ कि हम लोग अब शहर में जा रहे हैं और अब वही रहेंगे। इतना सुनकर राम बाबू अपने काम में लग जाता है और शहर जाने की तैयारियां करने लगता है। एक हफ्ते बाद सुबह के वक्त राम बाबू बुग्गी वाला ले आता है। बच्चों तुम दोनों तैयार हो, अब हमें शहर की ओर निकलना है, तो हम और देरी नहीं कर सकते और अब हमें चलना ही चाहिए। बाहर मैंने बुग्गी वाला भी बुलवा लिया है। जी पिताजी हम तैयार हैं और अब हम चलते हैं। इतना कहकर वो लोग शहर के लिए निकल पड़ते हैं। राम बाबू और राम बाबू का परिवार सब आपस में बातें करते हुए बग्गी पर हंसते हुए खुशी खुशी शहर की ओर जा रहे थे। कुछ समय बाद अंधेरा होने लगता है, तभी बग्गी वाला उनको आराम करने के लिए कहता है। फिर सभी लोग वहीं आराम करने लगते हैं। फिर वो लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद आयशा को सपने में एक जादुई परी दिखती है और वो बहुत सुंदर और अद्भुत होती है। आयशा उससे सपने में एक इच्छा मांगती है, जिससे उसके घर में सब कुछ बाकी परिवारों की तरह अच्छा हो जाए और शहर में अच्छे से रहने लगे। और उसकी इच्छा सुन एक जादुई लहंगा और एक जादुई केक दे जाती है परी और कहती है, आयशा जो कुछ भी तुम्हें चाहिए हो, जहाँ भी तुम्हें जाना हो, वो तुम इस लहंगे से कह सकती हो। ये लहंगा तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा, और ये केक जो भी तुम्हें खाना हो वो तुम इस केक से मांग सकती हो, और ये एक जादुई केक है, जो तुम्हारी खाने की इच्छा हो वो तुम इससे मांगना और ये तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी करेगा। इतना सुन आयशा अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि उसके पास सच में एक जादुई लहंगा होता है और एक जादुई केक होता है। आयशा वो लहंगा पहन लेती है और जादुई केक को छुपा कर रख देती है, क्योंकि श्वेता छोटी थी जिसकी वजह से वो उस केक का गलत इस्तेमाल भी कर सकती थी। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और वो शहर की तरफ फिर से बग्गी में बैठकर चल पड़ते हैं। राम बाबू बग्गी वाले को पता बताता है और उस पते पर बग्गी वाला उन्हें पहुँचा देता है। राम बाबू बग्गी वाले को किराया दे देता है और किराया देकर राम बाबू घर के सामने उतर जाता है और सारा सामान बग्गी वाले के साथ मिलकर उतरवा लेता है। बच्चे घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। राम बाबू की पत्नी महिमा भी बहुत ज्यादा खुश होती है। यह लो बेटा, तुम्हारा घर आ गया और अब तुम माँ बेटी मिलकर सामान को जैसा रखना चाहो वैसा रख सकती हो, जहाँ रखना चाहो वहाँ रख सकती हो, और अब इस मकान को घर जैसा बना दो तुम माँ बेटी। जी आपने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है कि हम सब बहुत खुश हैं, और अब हम इसमें अपने मन के हिसाब से सब चीजें अच्छे से लगा देंगे और हम यहाँ आयशा और श्वेता का स्कूल में दाखिला करवा भी देंगे। ठीक है, तुम लोग इतने में सामान थोड़ा बहुत लगाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम कर लेता हूँ। थोड़ी देर में राम बाबू हलवाई से समोसे चाय और जलेबी ले आता है और फिर राम बाबू अपने घर में जाता है और बच्चों के साथ मिलकर खाता है। इसी तरह अब वो लोग हंसी खुशी से उस घर में रहने लगते हैं। आयशा का लहंगा तो सभी ने देखा था, लेकिन किसी ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में उसकी माँ उससे पूछती है कि ये लहंगा तुम्हें रातों रात किसने दिया। फिर आयशा अपनी माँ और बाबा को दोनों को सब कुछ बताती है, जो भी उसके साथ सपने में हुआ। आयशा अपने जादुई लहंगे के बारे में अपने माता पिता को बताती है और अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी आप लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ कर लिया, अब हमारी बारी है आपके लिए कुछ करने की। परी ने मुझे ये जादुई लहंगा और ले दिया ताकि मैं इससे कुछ भी मांग सकूं। इतना सुन उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लोग बहुत खुश भी होते हैं कि जादुई लहंगे और जादुई केक की मदद से अब वो लोग अपना सारा काम आसानी से कर सकेंगे
अब आयशा और आयशा का परिवार जादुई लहंगे और जादुई केक के मिलने की वजह से बहुत खुश थे। और अब आयशा अपनी बहन को जादुई लहंगे से ठीक कर सकती है और वो ठीक कर भी देती है। इस प्रकार वो लोग जादुई लहंगा और जादुई केक की मदद से बहुत अमीर हो जाते हैं और एक अच्छी खासी जिंदगी व्यतीत करते हैं और उससे गरीब लोगों की भी मदद करते हैं। इस प्रकार अब आयशा और आयशा का परिवार चैन की और आराम की जिंदगी जीने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। बाय बाय दोस्तों।